हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गेम्स में। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा द बेस्ट मल्टीप्लेयर कार इन ब्रॉन्ज लीग में। ब्रॉन्ज लीग में बेस्ट मल्टीप्लेयर कार एस्फाल्ट 9 में कौन सी है? तो वो कार है डॉज चैलेंजर 392। यस ये कार। तो गाइस इस कार की स्पेशलिटी ये है कि ये कार लो रैंक मतलब 1164 के अंदर भी काफ़ी अच्छे टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन देती है। दूसरी कार अगर कंपेयर की जाए ब्रॉन्ज लीग में तो ये पावर और ये रैंक के लिए नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बेस्ट कार है, और सजेशन ये होगा कि आपको ये कार को इम्प्रूव करना होगा, अपग्रेड करोगे, क्योंकि मैक्स अगर आपका रैंक 800 हो, 900 हो या 600 हो, जब आप मल्टीप्लेयर खेलोगे ब्रॉन्ज लीग में तो आपको मैक्सिमम कार्स 1200 1100 यानी 1000 के ऊपर ही रैंक के मिलेंगे। तो आप अगर इस कार को 1200 के रैंक तक अपग्रेड करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मैक्सिमम डॉज चैलेंजर ही अपोजिशन मिलेंगे, जिसकी वजह से आपके जीतने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। और अगर देखा जाए तो सिल्वर लीग में इस कार का चैलेंजर सिर्फ एक ही है, जो है डॉज चैलेंजर SR8। तो सिल्वर लीग में आप बाद में आएंगे, पहले ब्रॉन्ज लीग में यही कार है आपको बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। तो अगर आपके पास ये कार नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि कार को कैसे पाना है, ब्लूप्रिंट्स जल्दी से कैसे मिले। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर हम सीजन्स में जाएंगे तो करियर में यहाँ पर काफ़ी सारे सीजन्स हैं, हमको अलग अलग सीजन में अलग अलग कार्स मिलते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मुझे SRT के ब्लूप्रिंट्स है। तो अगर आपको स्पेसिफिक कार के ब्लूप्रिंट्स चाहिए होंगे तो आपको क्या करना है, आपको अपने कार्स में जाकर आपको देखना कौन सी कार चाहिए। जैसे कि मुझे DS ऑटोमोबाइल चाहिए, इस कार पर क्लिक करो, यहाँ पर ऑप्शन था गेट ब्लूप्रिंट्स का, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कौन से करियर सीजन में ये ब्लूप्रिंट्स मिलेंगे, क्लास डी रुकी इस करियर सीजन में मुझे इसके ब्लूप्रिंट्स मिलेंगे जो अभी तक मैंने ओपन नहीं किया। यहाँ पर तीन सीजन है, क्लास डी प्रो कैमरो, ये तीनों सीजन में मुझे इसके ब्लूप्रिंट्स मिलेंगे जो मैंने अभी तक अनलॉक नहीं किया है। और दूसरे ऑप्शन आते हैं हमारे पर कार्ड पैक्स, यस हमको इसे खरीदने होते हैं, ये पैक्स यहाँ पर है। और फिर अपने थर्ड ऑप्शन है इवेंट्स, तो यहाँ पर कार्ड पैक शॉप है और इवेंट्स भी है, इवेंट्स भी आते हैं काफ़ी सारे के कार्स के लिए, तो आप इवेंट्स में जाकर वो कार्स को चूज कर सकते हैं। बट इन कार्स को SRT की बात करते हैं हम, बेस्ट ब्रॉन्ज मल्टीप्लेयर कार, इस कार को अपग्रेड करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको अपग्रेड करेंगे क्योंकि आपके बहुत सारे पोजीशंस के पास सेम कार होती है, जितना आप अपग्रेड करोगे तो ये कार का आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा सिल्वर लीग गोल्ड लीग के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।